अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी दुआ, एक ऐसा वजीफा जिसे करते ही आपकी जो प्रेमिका है वो आपके बिना रह नहीं पाएंगी। वो अगर आप उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगी और इस दुआ को पढ़ते ही वो आपकी तरफ दौड़ी चली आएंगी, आपके प्यार में दीवानी हो जाएंगी और आपसे बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी मोहब्बत को पाना तो इस वीडियो को जरूर देखें। हम आपको आज बताएंगे एक ऐसा वजीफा जिसे करते ही आपकी मोहब्बत को आपसे बेइंतहा प्यार हो जाएगा और वो भी आपके प्यार में दीवानी हो जाएंगी। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उनका एक कपड़ा लाना होगा। उस कपड़े से हम ये वजीफा करेंगे, तो कोई भी पुराना कपड़ा उनका आप ले सकते हैं जो उन्होंने पहना हो, और उस पुराने कपड़े को आप ले आएं। उसके बाद आपको शमशान में जाना है और शमशान में आपको सबसे पहले, शमशान में जाने से पहले भी एक बात का ध्यान रखें कि वुजू कर लें और साफ कपड़े पहन लें, बिल्कुल साफ कपड़े आपको पहनने हैं। इसका बहुत ज्यादा जरूरी है ये काम करना, क्योंकि इसका पूरा एक तरीका है इस काम को करने का। अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप नहीं करते हैं तो फिर वो वजीफा सही तरीके से काम नहीं करता है। और इस वजीफे का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम को करने के लिए करें, कभी भी गलत इरादे से इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप सच में किसी से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए तो आप इस वजीफे को जरूर करें। इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया वजू करना है, उसके बाद शमशान में जाना है, अपनी माशूका का कोई भी पुराना कपड़ा लेकर आप जा सकते हैं, और अगर आप अपने प्रेमी का ले जाना चाहते हैं अगर आप, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं वैसे तो, पर इसे आपको शाम के टाइम करना है, 6 बजे के बाद आपको इसे करना है और 9 बजे से पहले आपको कर लेना है। तो पहले तो आपको जाना है शमशान में और उसके बाद वो जो पुराना कपड़ा आप लेके जाएंगे उसको आपको जला देना है। उसको जलाएंगे वहां पर, जलाने के बाद जो कपड़े की राख होती है उसको आपको वहीं पर मिट्टी को खोदना है और उसके बाद वहां पर वो राख को दफन कर देना है। जब आप दफन कर रहे होंगे उस समय आपको ये दुआ पढ़नी है 10 मरतबा। 10 मरतबा आपको बोलना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको 10 मरतबा बोलना है। और उसके बाद जहाँ पर मिट्टी में आपने कपड़ा दफन किया, राख जो बन चुका है उसको दफन करने के बाद जहाँ पे आपने मिट्टी में कपड़े को दफन किया है वहाँ पर आपको 10 मरतबा इस दुआ को पढ़कर और उसके बाद दम कर देना है। इसे करने के बाद वहाँ से उठें और सीधा अपने घर चले आएं और उसके बाद दोबारा से वजू कर लें। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ये काम कर रहे होंगे और उस समय आपको कोई आके पूछता है कि ये क्या कर रहे हो या कोई टोकता है तो आपको उसका जवाब नहीं देना है दोस्तों, इस बात का बेहद ख्याल रखें। और आपका ये वजीफा जरूर काम करेगा क्योंकि मौलाना जी ने इस वजीफे को बहुत ज्यादा लोगों को दिया हुआ है और उन लोगों के काम भी बने हैं इसे करके, तो आपका काम भी जरूर बनेगा। इस बात के लिए पूरी तरह से आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये वजीफा जरूर काम करेगा आपके लिए। एक काम आप कर सकते हैं, हमारे नंबर पर आप अपना नाम और अपनी माशूका का नाम लिखकर भेज सकते हैं जिससे कि आपको इजाजत मिल जाएगी इस वजीफे को करने की। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।